सा जल्दी शर्ट दे दो यार, इस्त्री कर दो प्लीज, लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। जवाद जी, आपने कौवे की काएं काएं की आवाज सुनी है? कौवा काएं काएं ही करता है, टाएं टाएं थोड़ी करता है। काए 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 काए। अरे यार, काए काए के बजाय शर्ट इस्त्री करने में ध्यान दो, पहली दो शर्टें जल चुकी हैं। कौवे की आवाज से कमीज जल जाएगी? ओहो, गर्म इस्त्री से तो जल जाती है ना। ओ जवाब जी, नहीं जलेगी, मैंने स्विच ही ऑन नहीं किया। ठंडी इस्त्री से शर्ट इस्त्री कर रही हो? शर्ट तो मैंने रात को इस्त्री कर दी थी। तो फिर अभी क्या कर रही हो? हाँ हाय जवाब जी, आपने मुझे कहा रूसा शर्ट इस्त्री कर दो, तो मैं अपने मिजाजी खुदा को मना थोड़ी कर सकती। तो तुम इस्त्री करने की एक्टिंग कर रही थी? आहो, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? शर्ट दो यार। अच्छा जवाब जी, ये ले लो। जवाब जी, ओ कौवा फिर से काए काए कर रहा है। ओ हसो नहीं, ऑफिस ना जाओ। ओहो, ये बेरोजगार कौवा, इसको काए काए करने के अलावा कोई और काम नहीं है। ना जवाब जी, बगैर किसी वजह के कौवे काए 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 करते ही नहीं। कौवे का पेट खराब होगा। ओ ना जी, ओ कौवे का पेट खराब नहीं होता। तो फिर दिमाग खराब होगा। ओ नहीं जवाब जी, ओ बेबे कहती है जब कौवा काए काए करता है ना, तो मेहमान आते घर। बिल्कुल फजूल बात। हाँ हाँ, आप मेरी बेबे को फजूल कह रहे हो। मैं कौवे की काए काए को फजूल कह रहा हूं। हाँ, मैं समझी, आप मेरी बेबे को फजूल कह रहे हो। उसे हर वक्त बेबे की बातें मत किया। हाँ जवाब जी, आपको मेरी बेबे की बातों से प्रॉब्लम है या बेबे से? दोनों से जी। जी अच्छा जवाब जी, यार दस दो, डिनर में आपके लिए स्पेशल की बनावा? तुम जो भी बनाओगी ना, स्पेशल ही होगा। हाय अल्लाह, जवाद जी मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं पर बताते नहीं है, मेरे हाथ की हर शय उनको स्पेशल लगती है। अरे आ रहा हूँ, 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 आ रहा हूँ। तुम शहर के लोगों को किसी के टाइम की परवाह नहीं है? एक घंटे से मैं दरवाजा खटखटा रही हूँ, खलो खलो के थक गई हूँ। वो बेल लगी हुई है ना, बेल बजा देती। और बेल को गोली मारो। ये बताओ मलक किधर है? आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो तो पहले ही हो चुका, आज फिर होएगा, दुनिया देखेगी। आप दुनिया को कुछ दिखाने के लिए आई? और राजा जमाई, मैं इस वक्त ना बड़ी तपी हुई हूँ। बुखार से? मैं सफर से आई हूँ। मैं समझा आप गाड़ी से आई हैं। और ना इंसाफी की हद होती है, तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो? आप समझने का मौका ही कहाँ दे रही हैं? बिन बाप के बच्चे यतीम की फेंटी लगा दिए, ऊपर से बहस करते हो। कौन सी फेंटी, किसका बच्चा? ओ मेरा पुत्र सीधा, मैंने खुद उसको यहाँ भेजा था। मैं तो पिंडी गया हुआ था, मगर मैं इंसाफ ले कर रहूंगी। इंसाफ हो जाएगा, आप थोड़ा आहिस्ते बात करें। ओ मैं क्यों आहिस्ता बोलूं, मैं किसी के बाप का लेके खाती हूँ। मैं तो चीख चीख के पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी। फूफो, ये शरीफों का मोहल्ला है। शरीफों का मोहल्ला तो मैं क्या करूँ, आज तो मैं हल्ला बोलने आई हूँ। आपने जो भी बोलना है ना, आप आहिस्ता बोलिए। ओ मलक को बाहर कर। ओ मलक, मर्द का बच्चा है तो बाहर निकल। वो अंदर चल के गोलमेज कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। और कॉन्फ्रेंस को मार गोली, मैं तो आज ईंट से ईंट बजा दूंगी। आपको जो भी बजाना हो ना, आप अंदर चल के बजा लीजिए। और राजा जुमाई, तू हमारे खानदान की इज्जत है, अगर इस वक्त मलक होता ना, लाशें गिर जाती। आप लाशें अपने साथ नहीं, मेरा मतलब है कि आप अंदर चलिए ना। अला समान पर छे दिन तो बहुत भारी, इसमें तोप है क्या? तोप तो मैं मुझ फिट कराई है, तू वेख मैं मलक को कैसे अपना बदला लेती हूँ। निकल छेती कर, जल्दी कर, तुरना नहीं आंदा। और मलक कितने बाहर निकल है? पप्पो, ये सोफा बैठने के लिए होता, आप इसमें बैठ जाइए। दुश्मनों के कार में मैं बैठना पसंद नहीं करती। अरे आप बैठेगी नहीं तो आपके गोड़े में दर्द शुरू हो जाएगा। गोड़ों में दर्द तो पहले से बहुत है, गड्डी में बैठने की जगह नहीं थी, खलोते खलोते आई हूँ मैं। सोफे पे तो आपके लिए काफी जगह है। मैं बैठूंगी नहीं, लेटूंगी। अच्छा ठीक है। उरुसा, देखो कौन आया है। और मैं कुछ चिड़िया घर से आई हूँ, तू उसको देखने के लिए बुला रहा। गुड जोक। और छेती मलक को बुला, जब तक मैं बदला नहीं लूंगी ना, बैठूंगी नहीं। मेरे ख्याल से डैड सो रहे हैं। वो सो नहीं रहा, वो मेरी आवाज सुन के ना चुपता फिर रहा है भाभी के पीछे। उसमें इतनी हिम्मत है ना, तो थले आए। अब मेरे ख्याल से काफी गहरी नींद सो रहे हैं। आप रिलैक्स करें, मैं उनको बुला के आता हूँ। हाँ, मैं लाता हूँ। ओ मलक छेतिया, तेरे ची हिम्मत है तो मैं इंतजार कर रही हूँ तेरा। मलिक साहब, आप ये आवाजें सुन रहे हैं? मैं तो इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारी आवाज कब बंद होगी। अच्छा चुप करे, सुनेगा। आवाज तो आ रही है यार। किसकी आवाज है ये पूछ रही हूँ? यार कोई जानी पहचानी आवाज है। हाँ, इतना लाउड तो आपके पिंड वाले बोलते हैं, वही लोग लग रहे हैं। आते पंजाब दे लोग हैं, ऐसे खुला दिला कहने हैं, और कैसी गाल है। अरे पहचाने तो सही कौन है? ओ कई उरुसा की बेबे तेरी आ गई। मलिक साहब, मुंह से बदफाले ना निकाला करें। क्या बात कर रही हो, उरुसा की बेबे जो है ना मेरी सकी बहन है, तू सौतेली बीवी मेरी। मलिक साहब, उरुसा की बेबे आई ना तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। और पहले दसना सी उरुसा की बेबे को, मैं पहले ही बुला लेता। इस घर में एक पेंडू बहुत है, मैं और पेंडू बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो चलो चल के देखती है कौन है। क्यों, आपके रिश्तेदार को फिल्म है जो उनको देखने जाएंगे हम? वो देखना तो पड़ेगा ना। मलिक साहब, मैं आपको बता दूं, जो भी होगा ना उसे धक्के मार के बाहर निकाल दीजिएगा। अगर मुझसे ज्यादा पहाड़ा हुआ तो मुझे धक्के देके निकाल देगा बाहर।
वेरी फनी। और मेहमान जो होते हैं ना वो अल्लाह की रहमत होते हैं। जी नहीं, मेरे लिए आपके मेहमान सिर्फ ज़हमत होते हैं। ना उसने बैठने की तमीज, ना बात करने की तमीज। डैड 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 डैड, नीचे नरगिस फूफो आ गई है, नागन बनी हुई है, मुँह से आग निकाल रही है। वो शाम को शो रख ले उसका। अरे चुप कर जा, नागन मुँह से जहर निकालती है, आग नहीं, समझ आई? वो शो आप ही देखिएगा। शाइस्ता बेगम, मैं तो कहता तुम भी चलो, नागन पर नागन छोड़ देते हैं। मलिक साहब, आप ये अपने दो टके के जो जोक्स है ना, ये उन्हीं को सुनाइएगा। नरगिस का नाम सुनकर मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। फिर मैं कल्ला ही नागन से निपटना पड़ेगा। उसे खुदा हाफिज कह के आइएगा। मेरे लिए क्या हुक्म है? अपने मामा का सर दबाओ, मैं नागन के पैर दबा के आता हूँ। मेरी तरफ से गला भी दबा दीजिएगा। ये देख रहे, क्यों कर दी मैंने तुम्हारी शादी इस खानदान में? अरे मामा, जो हो चुका उसे छोड़े, जो डैड के साथ नीचे होने वाला उसके बारे में सोचें। मेरी तरफ से तो उससे ज्यादा बुरा हो। दरवाजा बंद कर दो, मैं तुम्हारे डैड की चीखें नहीं सुन सकती। फूफो बहुत गुस्से में हुआ करें। हाय फूफी जी, इतना गुस्सा थोड़ी सेहत जलाया, ठीक नहीं है। आए थोड़ा पानी जाए पी लो, पानी की बिगाड़े। दुश्मनों के कार का मैं पानी नहीं पीती। और उसा ओ लेडी मौला जट दे ले, कोल्ड ड्रिंक ले क्या? लेडी मौला जट कह के मलक मेरा गुस्सा नु तू ठंडा कर देता है, मगर मैं तेरे नाराज। ओ जब ये कोल्ड ड्रिंक पिएगी ना, हौली हौली तेरा गुस्सा जो है ना वो माठा पै जाएगा। ओ मामा जी, ओ केड़ी कोल्ड ड्रिंक ले आवा? डाइट ले ओ। ओ डाइट कह रही है, डाइट। ओ मामा जी, मैनू पता है मैं शर्मिंदा वा। हां और बोल, शिकायत दफ्तर खोल ते खुल के बोंगिया मार। ओ मलिक, मैंने शीदे को इंसान का पुत्र बनाने के लिए तेरे पास भेजा था। ओ तेरा पुत्र इंसान का पुत्र की भी हो सकता? ओ चुकता ना मार मलिक, मुझे तू ये बता, बिन बाप के यतीम बच्चे को इतनी फेंटी क्यों लगाई है तुमने? ओ तो बनता सी। ओ जवाब दे मलिक, मनु जवाब चाहिए। ओ पुरानिया गल्ला छड़ दे, कोई नवी ताजी सुना मेनू। ए मनु दस, मेरे शीदे नु मारया क्यों मैं? ओ बनता सी, ओ मेरा मतलब ये कहने वाली गल नहीं है। ओ बताना तो तुझे पड़ेगा मलिक, तुझे अरूसा की बेवे की कसम। ओ तेरा काका जड़ा सी ना, वो लाइन मार रहा सी। बस इतनी सी बात में तूने फेंटी लगा के उसको पिंड में भेज दिया। और लाइन मारन का मतलब जानती भी है तू? मेरी बात सुनो मलक, जिन्हें तू निका से ना, तू भी दोबारा ते लाइना मार देंदा से। अगर उसने मार दी थी तो कौन सी ऐसी बात थी? तू पेंट करा देता, पैसे मैं दे देती। ओ तेरा काका जड़ा ना, वो काका नहीं रहा, और वो बालिग हो गया, उरुसा ते लाइन मार रहा सी वो। क्या? तू जिंदा क्यों भेजा? जो हमसे मार देता, लाश पार्सल कर देता, मैं रिसीव कर लेती। और छड़ दे, जो होना सही हो गया। मुझे शर्मिंदा कर दिया, मैं परजाई को किस मुंह से मिलूंगी? और तुझे मिलने की लोड़ नहीं, और मैं आप मैनेज कर लेगा, तू नीवी नीवी होके निकल जा। मैं तो परजाई से जरूर मिलूंगी, सॉरी करनी है ना उसको, कहाँ है सो? और तेरी परजाई दे सिरिच पील हुंडैया। तू सीना मेरी कोल्ड ड्रिंक और रूसा नु कह लेके आ जाए, मैं चल लिया पापी नु मिलन। और मेरी गल तो सुन, छोड़ो परे मुन जान दियो। ओ मेरी गल तो सुन, ओ जान दियो। हां हां, और सोफा कुछ ऊंचा होया, ऊंचा होया कुछ सोफा? ओ परजाई देखो तो सही, कौन आया है? मैं तो सो रही थी, कौन आया है? आ पर जाए, मेरे सीने के साथ लग जा, सीने से लगने से ना कीना मुक जाता है बंदे का। आ जा, आ जा। मेरी शौक तो नहीं है, आप कहती है तो मिल लेती हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, ये तो करना चाहिए ना, जरूरी होता है ना ये। ये चीटिंग है, दिस इज चीटिंग, दिस इज चीटिंग। प्यार में सब चीजें जायज होती है, मुझे जरा लेटने दे। ईमान से पर जाए, सफर कर कर के मेरिया लत्ता टूट गईया ने, मेरे पूरी लत्ता च तबले की आवाज आ रही है, तबले की डमडम डमडम। आप भी वही है, आपके जोड़ों में तबले बज रहे हैं। मैं तेरे बिस्तर पे लेट गई, तूने मैंड तो नहीं किया? मैंड करके मेरा मतलब है माइंड करके मैं क्या बिगाड़ूंगी आपको? तू इस तरह कर, ठंडी मशीन ऑन कर दे, मैं जरा कंड सीधी कर लवा। कंड कैसे सीधी होगी आपकी? ओ फूफी जी, हेलो, मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक ले आई हूँ। बर्फ मुक गई थी ना, इस वास्ते देर हो गई, सॉरी। उतरो नहीं पाइप लाके, मैं शुरू शुरू करके शरबत पीती हूँ ना। पाइप? तुम लॉन से पाइप लेके आओगी? ना आंटी जी, स्ट्रॉ। ओ आहो फूफी जी, लेकर आई हूँ मैं वो भी, हेलो। ओ भाभी जी, तुसी कितने चले हो? तुहाडे नाल जरा दुख सुख दियां गल्लां करनियां ने। अब आप म्यूजिक के साथ शरबत पिए, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, अल्लाह हाफिज। बड़ी छेती च देख रूसा, मुझे ना अल्लाह का बड़ा शुगर है, और मुझे ना ब्लड प्रेशर भी है, और थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे भूख लग जाती, कुड़ोल पै जाते हैं मेरे पेट में। और ठीक है फूफी जी, मैं आपके लिए सरसों का साग तो मकई की रोटी जल्दी से बना देती हूँ। मैं शहर आई हूँ, देसी खाने को तो मैं हाथ भी नहीं रखाऊँ। तो फिर की पकावा? पिज्जा, मैक्रोनी, पास्ता, तू इस तरह कर मैक्रोनी बना दे, जब तक ना मैं सो जाती हूँ। हाँ फूफी जी, सोते सोते खाओगे क्या? और पुत्र जी, जिले रोटी खुल जाती साड़ी आँख खुल जाती है। जा छेती ना, जा मेरा बच्चा। मेरा चैन सुकून बर्बाद करके आप यहाँ बैठ के चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। आपकी गुफ्तगू में रोमांस कहाँ से आ गया भाई? ये इस पूरे डायलॉग में मुझे बता दे रोमांस कहाँ है। पा देने आप,
और चैन और सुकून ना आशिकों के लिए मशहूर है। मैंने आपको कहा था नरगिस को बाहर निकाल दिए, आपने ऊपर भेज दिया। ओ भाई वो आपसे जबरदस्ती मिलने चले गए तो मैं क्या करता भाई? आप हाथों में मेहंदी लगा के बैठे हुए थे, रोका क्यों नहीं उसे? ओ तौबा कर शाइस्ता, तौबा कर ना, महरूम लड़कियों को मैं हाथ नहीं लगाता। मलिक साहब आपके पेंडू रिश्तेदारों को इतनी भी तमीज नहीं है कि दूसरे के बेड पे नहीं सोते। ओ, हम पेंडू जो है ना वो तो कमादाज भी सो जाने हैं। आप इसी वक्त उसे मेरे कमरे से निकालिए। एक गाल दस, नरगिस दे नाल तुहाडा कोई लिथर पाला तो नहीं, वो कोई झगड़ा तो नहीं होया? नहीं अभी तो नहीं हुआ, लेकिन हो जाएगा और मैं मारूंगी, मैं बता रही हूँ। वो सोचना भी नहीं, वो जो है ना नरगिस बड़ी खौफनाक औरत है, कातिल हसीना। कातिल हसीना मतलब? वो हसीना कोलो पाया है, वो बेवा किस तरह भी पता है नू? अपनी हरकतों की वजह से बेवा हुई होंगी। वो नरगिस ने ना खाने में जहर मिला के तो अपने शौहर को खिला दिया। क्यों? वो आशिकी मशूकी का चक्कर था ना। ओहो, शौहर को मार ही दिया? वो शौहर का चक्कर था, ऐसा नरगिस को शक था। तौबा तौबा मलिक साहब, आपके खानदान के मर्द तो थे ही एबनॉर्मल, खवातीन भी एबनॉर्मल हैं। आहो, आपके खानदान में कोई नॉर्मल भी है? हाँ क्यों नहीं, सबसे पहला मैं हुआ, वो भी बड़ी मन्नतों के बाद। आप अपने आप को नॉर्मल समझते? वाह वाह वाह। और नरगिस जो भी कहे ना चू चा किए बगैर मान लेना। नहीं मैं जा रही हूँ। कहाँ? जहन्नम में। और जहन्नम से याद आया, उरूसा तो मैं ढूंढ रही थी। मलिक साहब निकालो उसे मेरे कमरे से, मैं आपसे कह रही हूँ। चलो मैं उसको निकालने की कोशिश करता हूँ, तू दूसरा सीन जो उरूसा के साथ कर। है? फिर मेरा सीन? वो छा गई है, तू छा गई है, छा गई है, छा गई है। उरूसा, उरूसा। और जी आंटी जी, क्यों ढूंढ रही थी तुम मुझे? आंटी जी ये मकरोनी कैसे बननी है? मैं क्या बताऊं, पैकेट पे लिखा हुआ है, पढ़ के बना लो। हाँ आंटी जी, अगर पढ़ी लिखी होती तो किचन में होती। बात बताओ, ये मैक्रोनी बन किसके लिए रही है? फूफी जी के लिए। क्यों, किसकी इजाजत से बन रही है ये? हाँ हाय आंटी जी, और फूफी जी बड़ी गुस्से की तेज है, और नींद सोते ना उनको मैक्रोनी चाहिए होगी और नहीं ना बनी तो पूरा घर अपने सर पे उठा लेगी गुस्से में। हाँ पता पता पता। अच्छा एक काम करो, बोल में पानी लो, उसे उबालो, उसमें ये डालो है पूरा पैकेट, ये जब उबल जाए तो फिर एक फ्राइंग पैन में अदरक लहसुन लेके और उसमें नमक मिर्च जो भी डाल के काली मिर्च डाल के भून लो, बन गई। हाँ ये तो बड़ा आसान है। हाँ और एक इम्पोर्टेंट टिप, जब सब तैयारी हो जाए तो जरा सा जायका बढ़ा के 8 चुटकी नीला थोता भी जरूर डाल देना, ठीक है? हाँ ये जरूर भूलना नहीं। नीला थोता? नीला थोता किधर? हाँ हाय नीला थोता, हाँ जी वो तो खाते ही बंदा कह जाएगा। आंटी जी मजाक कर रही है। क्या मलक दा कार है, पखे लगे ने, एसी लगे ने, ठंड ही ठंड है, मैं तो पूरियां गर्मियां इत्थे गुजार के जानियां ने। ओए यारिया, हाय बड़े चक्कर आंडे ने मनु। ए जे तू लोका नु चक्कर दिते रे ना, वो चक्कर वापस आंडे ही ने। वैसे मलक मेरी गल सुन, तू शहरी तो हो गया मगर चुका तू पिंड वाली मारना। ओ गल सुन, विचो असी माड़ी ते को नु मोड़ू तो समझी? चल चल। क्या हूँ? और तेरा शुगर लेवल जब कट गया है तो चले चल। तू डॉक्टर है? और तू मैं कह रही थी कि चक्कर आ रहे ने। चक्कर आने का मतलब है शुगर जो है वो थले गिर गई है। अगर शुगर डिग पे है तो तू चोक ले। ओए हाय, तू भी वही निकली ना जुगतबाज है। और तेरे लिए फ्रेश में फल फ्रूट लेके आया। और फ्रेश फल फ्रूट तो गांव में मिलते, यहाँ कहाँ से मिलेंगे? और नहीं नहीं, कूल स्टोर होते ना, कूल स्टोर होते जो फ्रेश ही रहते ने। अच्छा आओ चल। भाई तू इत्थे ले, तेरे कमरे च बड़ा सुकून है, मैं किधर होर नहीं जाऊंगे। और नहीं नहीं, बहुता खाना भी लेके आए तेरे लिए, वो दाबड़े च रखिया दाबड़े। चल थले ही चलना पड़ेगा तेन। क्यों? हूं तेन दसना पड़ेगा। बता। वो शायस्ता नु दौरे पैंदे ने। मेरे के के? ओ नहीं पागल बंदे, दिन च किसी वक्त भी पै जाते ने दौरे, समझ आई? तो फिर ओए होए बड़े खतरनाक दौरे पैंदे ने भाई। वो पता है की जो गुस्सा आंदा ना उन्हें, तो जो चीज हथ जाती है सुट जाती है। एक बारी तो मैंने भी सूट दिता। बात सुनो, मैं शुगर दे मरीज हां, मेरे जख्म तो 4-5 महीने च भरदे ने, हुन थले ले जा प्लीज। चल चल फिर। हाय फिर आ जा, आ जा। अच्छा तो मुझे दौरे पड़ते, अब देखना मलिक साहब कैसे दौरे पड़ेंगे मुझे। अरे मामा रिलैक्स। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तुम देखना अब कैसी दौरे लगेंगी। कहां की? अस्पताल की। अस्पताल की? जरा इमेजिन करो, तुम्हारे अब्बा के सर पे पट्टी बंधी होगी सफेद, उससे लाल लाल खून निकल रहा होगा, दो पीछे लोग मारते हुए आ रहे होंगे, कैसा लगेगा वो? मामा ये भी तो हो सकता है कि डैड ने नरगिस पप्पू को नीचे उतारने के लिए स्टोरी बनाई हो। बच्चू जी स्टोरी तो बनेगी अब जब बात, अगर तुम मेरे बेटे हो तो नरगिस और अपने डैड पे नजर रखना। मामा नरगिस पप्पू इस काबिल है कि उन पे नजर की जाए? तो पहले इतना नजर करम हुआ बस
तुम देखना कि उन दोनों के दरमियान क्या बात हो रही है, मुझे पूरी तफसील चाहिए, तफसील। मामा जासूसी कर रही? हाँ। अरे ताकि मुझे पता चले दोनों पेंडू आपस में क्या बातें करते हैं। अरे मामा बेकार की बातें करते होंगे। रहने दो, इन बेकार की बातों से काम की बातें तुम्हारी मामा खुद निकाल लेंगी। ओ मामा दी ग्रेट। तुम हमेशा पिस्तौल निकाल लेते हो, नीचे करो पिस्तौल और जाओ जाकर उनका पीछा करो, मुझे एक एक बात की खबर चाहिए। मुकरानी तो मैं खा लेती है, बड़ी मजेदार सी। बलाती खाने से ना एक बड़ा नुक्स होता है, जिन्ना मर्जी खा लो ढिड नीचे पड़दा। अच्छा? हाँ पुत्र रूसा जमाई राजा को बहुत वाला पिज्जा ऑर्डर कर दे, आधे घंटे बाद मुझे भूख लग जाएगी। और मैं तो भूख के साथ ना मैंने अलार्म सेट किया है। हाँ? इधर तल्ली बजी, इधर मैं शुरू हो गया। तो जल्दी कटो ना सेब खाइए। और तू बाज नहीं होनी है, तू की मुंह देखन दे, जल्दी बुला ना जाके जमाई राजा को, भेज पिज्जा लेकर आए। हाँ सौसा भी लेके आए, मैं खानी जी। ओके जी अल्लाह। सेब काट काट के खिला रहे, मुझे तो कभी सेब काट के नहीं खिला, मैं इनका गला काट दूंगी। मामा लेकिन आम तो काट के खिलाया है ना। सेब सेब होता है, आम होता है, दोनों मुख्तलिफ होते हैं। मैं समझ गया मामा, ये शैतान और सेब का पुराना कनेक्शन है। दोनों को धक्के देके बाहर निकाल दूंगी मैं गेट से। ओ अच्छा, आप दोनों को बाहर निकालेंगे और डैड चुपचाप वापस अंदर आ जाएंगे। अरे बाहर में गए तुम्हारे डैड, मैं वो तो उस जाहिल उरुसा और उस नरगिस की बात कर रही हूँ। मामा उरुसा की क्या गलती है? अच्छा खूब मजे मजे के खाने फलाने हैं, फल वगैरह उसको काट काट के खिला रही है, हमारे लिए तो कभी कोई अच्छी चीज भी नहीं बनाई उसने। सही कह रही है मामा, बात में दम है। बस निकालो अपनी पिस्तौल इसी बात पे। अरे हमेशा का एकदम ना निकाल लिया करो, जाओ देखो जाके अब क्या कर रहे हैं। ओके जल्दी जाओ। चिक चिक तेरा कमरा ते मलक साहब दे कमरे तू ही ठंडा। आहो जी, और पुप्पी जी नीचे का कमरा है ना, धूप नहीं ना पड़ती। मेरी बात सुन, मैं ना ऊपर जा जाके हाफ गई हूँ, गोडे दुख गए मेरे, मैं नहीं जाना चाहती ऊपर। अच्छा आहो, मैं चाहती हूँ कि मैं नीचे ही रहूं, नाल ही तो बर्ची खाना है, सूंधी सूंधी खुशबू आती रहेगी खाने की, सोना वक्त गुजर जाएगा मेरा। पुप्पी जी वापस कदों जा रहे हो? वो मेरी गाल सुन पागल, मेरी इन रकमा लगिया ने, मैं वापस क्यों चली जा, मैं गर्मियां गुजार के जावांगी। अब पुप्पी जी 6 महीने गर्मी होती है इधर। और छठ पर तू जा, इस तरह कर मेरे वास्ते कीमा भून के लेके आ। किस शायद कीमा? देसी मुर्गी का कीमा। घर च नहीं है। जाके मलक नू कह बाजारू लेके आए मेरे वास्ते मुर्गी। अच्छा अच्छा, और मेरी गाल सुन, तूने अपने शोहर को बोला था ना कि जमाई राजा को के बड़ा वाला लार्ज पिज्जा ला दे, मुझे बड़ी भूख लगनी शुरू हो गई है। आहो जी नहीं लाया। तुसी कदी तरक्की नहीं कर सकते, बड़े सुस्त लोग हो। जा छेती नाल जाके उनका लेके आए, मैं भूलदी नहीं हुंदी चीज, मुंह ना वेख मेरा, जा छेती नाल जा। ओए यार तुमने मुझे कहा कि नरगिस को किसी तरह नीचे लेके जाओ, और मैं गया कहानी पाई दौरे वाली कि तेरा मुंह बन गया। ओ जवाद जी उसे आप पा पै गया जवाद जी, और पप्पो हमारे कमरे में पहुंच गई है, कब्जा माफिया बन के बैठ गई है। ओह नो, हर आधे घंटे बाद ना उनको खाना चाहिए। ओ इस तरह ते साडे घर दा राशन एक दिन ही मुक जाएगा। अब मेरा मतलब है हमारे घर का राशन तो एक दिन में ही खत्म हो जाएगा, फिर पूरी गर्मी अजाब बन के इधर रहेगी। और तुम्हें जो दौरा पड़ता है वो कब काम आएगा? इधर आओ साडे नेड़े नेड़े आओ। ऐसे छोड़ दे। वाह 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 वाह, ऐसे जवाब मानने वाली बात है, तुम्हारे डैड का काम शैतानी कामों में बहुत तेज चलता है। अब बात सुन, तू मेरी तारीफ कर रही है या फिर? प्लीज आप लोग दोबारा लड़ना मत शुरू हो जाएगा। हाँ एक कीमे बनाने का टाइम हो गया है, तो फूफी जी के खाने का भी टाइम हो गया, मैं जा रही हूँ। मैं इसका कीमा बना दो। कैसे रोके टोके कोई, शहर में घुस गया गाँव, पारे हैं तिरछे उल्टे सीधे, नमक पारे हैं, नमक पारे हैं तिरछे उल्टे सीधे, नमक पारे हैं। आराम आ गया उन बाबू सारे? हाय अल्लाह मैं मरने लगी हूँ। इंशाल्लाह मुझे तुम लोगों की नजर लग गई है। असल पिंड वाले ने ना इत्थे तर खालिश पानी रास नहीं आंदा, अब रास नहीं आता आपको यहाँ का पानी। मेरे कफन दफन दा बंदोबस्त करो। और मैं सीधे नु कहता तेरी वसीयत के मुताबिक वो सारा अरेंज कर देगा। मुझ में जानने की हिम्मत नहीं है। अरे पप्पो मैं तो आपका जहाज का टिकट भी ले आया हूँ। आहो और टैक्सी बाहर ही खड़ी है। ओहो मैं तो हुणे थे ही मरांगी। और जवाब
और तेरी माँ नू दौरा पहन वाला है। मामा आपको दौरा पड़ने वाला। दौरा? जी जी। दौरा पारू? हाँ। अच्छा। नहीं छोड़ूंगी किसी को मैं। कम खर्च जहाँ पाक। मामा आपने तो दिल जीत लिया। मैं कहता हूँ अगला सिटकॉम पक्का। नहीं मैंने सीरियल करना मैं। और फैल गई है ज़्यादा फैल। मैं तो पिट नहीं जाऊंगी, बड़ी गर्मी है। मैं तो अब यही गर्मियां गुजारूंगी ठंडी मशीन में।